What's up guys? Welcome back to another video. मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद भटीजा. कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing really really good. And I am here in Kalyan. I shifted in Kalyan like 10 days back. 10 दिन हुए मुझे कल्याण शिफ्ट हुए. एंड कल्याण में खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं. यू गेट गुड चाइनीज फूड, यू गेट गुड वड़ा पाव. लेकिन एक ऐसी चीज़ जो मैं बहुत मिस कर रहा था, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ मिसल पाव. मिसल पाव कल्याण में बहुत जगह मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कहीं खाई नहीं है. सो टुडे वी आर गोइंग टू ईट कपल ऑफ मिसल पाव. हम लोग चार मिसल पाव खाने वाले हैं, या ट्राई करेंगे एटलीस्ट चार मिसल पाव खाने की. फोर से लेकर वन तक हम उन मिसल पाव को रेट करेंगे बेस्ड ऑन द स्पाइस लेवल एंड क्वांटिटी क्वालिटी एवरीथिंग. सो लेट्स हैव अ फर्स्ट मिसल पाव एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द मिसल पाव टू बी वेरी स्पाइसी. Let's go. की पहली जगह पे आ चुके हैं. जगह का नाम है श्री विठल कृपा मिसल सेंटर. ये जगह 12 साल पुरानी है. ये आती है कला तालाब. यहाँ पे हम लोग आज की पहली मिसल पाव ट्राई करने वाले हैं. इसमें नीचे सबसे आलू है, गाठिया है, पापड़ी है और पोहा है जिसको क्रश किया गया है. ऊपर से कांदा डाला गया है एंड इसके साथ हमको ये गरम गरम रस्सा भी दिया गया है जो दिखने में काफ़ी स्पाइसी लग रहा है. ये काफ़ी गरम है, ये कलर के हिसाब से तो काफ़ी स्पाइसी. थोड़ा सा हल्का सा राइट से ऑयल भी दिख रहा है. इसको टेस्ट करते हैं अभी. इनक्रेडिबल. जोमेटो पे स्विगी पे यहाँ पे तो मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें देखी थी, बड़ी बड़ी लोकेशंस देखी थी मिसल पाव खाने के लिए. ये जो एक जगह है ना, ये मैंने गूगल पे देखी थी एंड काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया पढ़ने के बाद. सबसे बेस्ट बात जो पोटैटोस है ना, नीचे से जो आलू रहता है क्रश्ड, वो इतना अच्छा है ना. सो वी आर डन विद द फर्स्ट मिसल. काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी यू नो डिफरेंटली फ्रॉम द अदर मिसल्स विच आई हैड. मैंने लाइफ में दो तीन मिसल्स पहले भी खाए थे. ये डिफरेंट इसीलिए थे क्योंकि ये मिसल मेरा काफ़ी लेयर्स थे. पोहे की एक लेयर थी, देन जो यू नो हल्का सा गाठिया था, थोड़ी सी पापड़ी थी, देन ऊपर से सेव था, तो उसका लेयर काफ़ी अच्छा था. तो ये मिसल स्पाइस लेवल में भी काफ़ी डिसेंट थी. ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थी, ज़्यादा कम स्पाइसी भी नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी. ओवरऑल आई रियली लाइक दिस फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई मिसल. प्रोज इस मिसल के ये थे कि यू नो काफ़ी अलग अलग लेयर्स थे. स्पाइस लेवल टॉलरेंट था, ज़्यादा भी नहीं था, कम भी नहीं था. कौन सा वर्ड से यार एम्बियंस ओके ओके था. ऑल्सो दिस वॉज माई फर्स्ट टिपिकल महाराष्ट्रियन मिसल पाव एक्सपीरियंस बिकॉज इसमें क्रश्ड पोहा भी था जो मैंने कभी कोई भी मिसल पाव में नहीं खाया है. तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा था. एंड अभी हम लोग सेकंड मिसल पाव खाने वाले हैं. चलिए दिखाता हूँ सेकंड मिसल पाव कहाँ खाएंगे. इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिसल पाव टू हैव इन कल्याण. यस करो, विल रीच टिल देन. आज की दूसरी जगह जो हम लोग आ चुके हैं फॉर ट्राइंग द मिसल पाव इज तात्यांची मिसल. दिस प्लेस इज वेरी फेमस इन कल्याण और दिस प्लेस इज नोन टू हैव सम वन ऑफ द स्पाइसियस्ट मिसल हियर इन द सिटी. तो अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं, आपको दिखाता हूँ. ऑल्सो ये मिसल भी मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ. जैसे मैंने आपको बताया, जो भी मिसल पाव मैं आज खाने वाला हूँ दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम. वो भी कैसी होती है मिसल, लेट्स ट्राई. तो वो पहली मिसल जो हम लोगों ने खाई थी श्री विठल कृपा सेंटर के बाद, हम लोग सेकंड मिसल खाने यहाँ पे आए हैं. ये मिसल एक्चुअली मेरी बहन ने पहले खाई हुई है. अनफॉर्चुनेटली जब वो यहाँ शूट करने आई थी तब मैं उसके साथ नहीं था, बट अभी उसने मुझे सजेस्ट किया कि अगर मुझे ये वीडियो बनाना है तो दिस प्लेस इज यू नो अ मस्ट ट्राई फॉर द मिसल. तो हम लोग यहाँ ट्राई करने आए हैं. हम लोग ने नॉर्मल मिसल ऑर्डर की है. इनकी नॉर्मल मिसल इटसेल्फ इज सो फेमस. सो अवर मिसल पाव इज फाइनली हियर. ये है इनकी तरी जो बहुत स्पाइसी होती है. ये है इनका रस्सा. और साइड कर देंगे दो मिनट के लिए. ये देख सकते हो आप, इनकी मिसल है ये. ऑयल काफ़ी है इसमें. दीज आर ऑल द स्प्राउट्स. ये है इनका सेव. दिखने में तो यार ये क्वांटिटी तो काफ़ी अच्छी है. लेट्स ट्राई इट. कोई भी महाराष्ट्र चीज़ ना बिना कांदे के नहीं खा सकते. ऊपर से भर के डाली कांदा,
then I'll add lemon. मतलब ये मिसल की जो स्पेशल चीज़ होने वाली है गोइंग टू बी दिस रस्ता, काफ़ी स्पाइसी है, कंसिस्टेंसी ठीक है इसकी, तो बहुत अच्छा है। उसके साथ आपको साइड में ये पापड़ भी मिलता है, ये आपको यहाँ पे थोड़ी सी साइड में एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है। ऑल्सो इसमें लेयर्स उतनी नहीं है, लेकिन जो स्प्राउट रहते हैं उसकी क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा है, आपको फिलिंग हो जाएगा काफ़ी ईजिली। वो जैसे जैसे मैं खाते जा रहा हूँ ना, मेरे को रियलाइज़ हो रहा है ये स्पाइसी और है, मतलब फर्स्ट बाइट के बाद जो आपको स्पाइसी लगता है ना आपको बाद में रियलाइज़ होता है, अभी हम रियलाइजेंगे ये काफ़ी स्पाइसी है। जो पिछली मिसल हम लोगों ने खाई थी उसकी कंसिस्टेंसी थिन थी, इसमें क्योंकि स्प्राउट बहुत ज़्यादा है, जो सेब है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी कंसिस्टेंसी थिक है। आई लव दिस वन टू। बोलते हैं ना सुकून वाली मिसल, क्वांटिटी इतनी थी, मेरे साथ पूजा नवीन भी आए हुए हैं, इन्होंने भी एक मिसल में से हम तीनों ने भर के खा लिया था। दिस वॉज द सेकेंड प्लेस फॉर आर मिसल एंड अभी हम इसको ऐड करेंगे। ये मिसल टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त थी। प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। प्रोज द क्वालिटी ऑफ मिसल, द क्वान्टिटी ऑफ मिसल, द स्पाइस लेवल, एम्बियंस काफ़ी अच्छा था और साथ में लोग ने पापड़ दिया था वो खाने को बहुत अच्छा था। सो ओवरऑल द प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड बहुत रियली गुड। कौन से मैं एक चीज़ बोलूँगा, कहीं कहीं मुझे लग रहे थे वो जो स्प्राउट थे वो इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि जो उनका सेब है जो उनका चिवड़ा है वो टेस्ट में कम आ रहा था, बहुत स्प्राउट आ रहे थे। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप सेब डलवा सकते हो ऊपर से, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी गुड। सो आज के दिन हमने दो मिसल ट्राई की, वॉज वेरी गुड, दोनों काफ़ी अच्छी थी। अभी बची हुई दो मिसल हम लोग कल ट्राई करने वाले हैं। यस करो उनमें से एक कौन सी है, बहुत फेमस है ये सिटी में। अब मैं कल आपसे मिलता हूँ और भी दो मस्त अच्छी मिसल पाव के साथ। The next day. So it's second day of having मिसल पाव here in Kalyan. हम लोग थर्ड प्लेस आए इन टोटल, कल हम लोगों ने दो प्लेसेस की थी, आज हम लोग थर्ड प्लेस करने वाले हैं। जो आज हम फेस करने वाले हैं इट्स वेरी फेमस फॉर मिसल पाव इन इंटायर कल्याण। आप कल्याण वेस्ट में रहते हो, कल्याण ईस्ट में रहते हो, डजेंट मैटर, एवरी वन नोज मिसल पाव दिस प्लेस। वी आर ईटिंग मिसल पाव फ्रॉम सुपर फूड अंबर वड़ा पाव। अंबर वड़ा पाव का वड़ा पाव बहुत ज़बरदस्त है, वो चीज़ मैंने पहले खाई है, मिसल पाव कभी खाया नहीं है पहले। एंड ये जगह की मिसल पाव के बारे में मैंने जब मैंने मिसल पाव सर्च किया था कल्याण में कौन सी बेस्ट है, एक जगह तो हर जगह थी, एवरी वन वॉज टेलिंग मी दिस वन प्लेस टू हैव मिसल पाव फ्रॉम, इट इज़ अंबर मिसल पाव। अभी मैं अंदर लेने गया था, कैमरा से अंदर शूट नहीं कर पाया बिकॉज इतना बहुत ज़्यादा गर्दी थी अंदर, आई कुडंट टेक माय कैमरा इनसाइड। लेट्स सी द मिसल नाउ, बहुत पसंद लग रही है यार। चलो खाते हैं। एक्टिवा पे खाना इज़ अ टास्क, आई एम ईटिंग ऑन एन एक्टिवा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पर इसमें ही मज़ा है यार। स्ट्रीट का फूड अगर आप ऐसे खाओगे नहीं ना तो मज़ा तो यार कहीं नहीं आएगा। नींबू, लेट्स टेस्ट इट फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ऑल्सो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ आपको अपनी मिसल पाव कैसे पसंद है, बहुत स्पाइसी, मीडियम स्पाइसी और नॉट स्पाइसी एट ऑल। मेरे को बाइट देता हूँ यार, पहले बाइट के बाद मेरे को बहुत खटास आ गई थी मुंह में क्योंकि मैंने नींबू बहुत ज़्यादा डाल दिया था। दिस मिसल कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बोथ मिसल इट्स वेरी डिफरेंट। करी अच्छी है, स्पाइसी है, जो फरसान होता है ना वो काफ़ी क्वांटिटी में डाला गया। एक बार आपको मिसल के थोड़ा अंदर की चीज़ बता दूँ, तो ये मिसल में आप देखोगे ऊपर ऊपर से फरसान बहुत ज़्यादा है, स्प्राउट्स कंपेरेटिवली कम है। आपने स्प्राउट्स ताताजी मिसल में बहुत देखे होंगे, मिसल का फरसान का जो क्वान्टिटी वो काफ़ी अच्छा है एंड स्पाइस लेवल बहुत यू नो प्रॉपर है, कोई भी एज ग्रुप का इंसान खा सकता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मिसल इज दैट जो स्पाइस लेवल है वो टॉलरेबल है, ज़्यादा तरी भी नहीं है, कम तरी भी नहीं है, आप इन्जॉय कर सकते हो। वैसे काइंड ऑफ मिसल है, अगर आप स्पाइस के बारे में बात करोगे ना ताताजी मिसल अब तक सबसे स्पाइसी रही है, सेकेंड ये, थर्ड श्री विठल कृपा मंडल वाली बहुत अच्छी थी।
दैट्स ओनली स्पाइस लेवल. ओवरऑल मिसल की रेटिंग हम लोग एंड में करेंगे. आप करी का कलर देख सकते हो, काफ़ी रेड है ऊपर से. ये देखिए करी का जो कलर है वो काफ़ी स्पाइसी लग रहा है मुझे खाने में. मुझे इसका स्पाइस लेवल ज़्यादा लग रहा है. हल्का सा साइड में आपको यहाँ ऑयल भी देख सकते हैं. एंड बीच में स्प्राउट्स हैं एंड फर्स्ट में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाला गया है. एंड यू हैव अनियंस एंड यू हैव लेमन एज वेल. ऊपर थोड़ा हम लोग करी डालते हैं स्पाइसी वाला. स्पाइसी फ्लेवरफुल स्प्राउट्स की क्वांटिटी बहुत बैलेंस्ड है. फरसान की क्वांटिटी बैलेंस्ड है. एवरीथिंग इज रियली गुड. नॉर्मली ना एक टाइम के बाद मिसल थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, थोड़ी सी सूख जाती है, क्योंकि जो फरसान है वो पूरा करी पकड़ लेता है. लेकिन इसमें वैसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया अभी बिल्कुल भी. स्पाइस लेवल हाई है, मुझे पसंद है. इसका परफेक्ट मिसल टू हैव. I am back home now after the missile hunt. दो दिन तक हमारी missile hunt चली जिसमें हम लोग ने चार अलग टाइप ऑफ missiles खाए. थर्ड और फोर्थ missile के बारे में मैंने सोचा आपको घर पे जाके आराम से बताऊंगा क्योंकि बहुत बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी. सो द थर्ड missile दैट वी ट्राई टूडे वॉज अम्बर्स मिसल. तो जो अंबर की मिसल थी उसमें प्रोज थे कि स्पाइस लेवल टॉलरेंट था, काफी अच्छा. सेकेंड थिंग दैट आई वुड बी टेलिंग यू इज दैट द क्वांटिटी ऑफ फरसान वॉज क्वाइट गुड, बट एट द सेम टाइम द क्वांटिटी ऑफ द स्प्राउट्स जो डालते हैं मिसल में वो इतनी ज्यादा नहीं थी. तो यू कैन जस्ट इवन इट आउट. कॉर्न्स में जैसा आई टोल्ड यू स्प्राउट्स कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा, कोई कोई टेस्ट में लगा कि मेरे को स्प्राउट्स आ ही नहीं रहे, मुंह में सिर्फ फरसान आ रहा है. तो ऑन दैट लेवल आई वुड डेफिनेटली फील के स्प्राउट्स ज्यादा हो सकते थे. आई वुड से दैट आई एम डिसअपॉइंटेड विद द मिसल, बट स्प्राउट्स कुड हैव बीन समथिंग दैट वुड हैव बीन एडेड मोर फ्लेवर्स टू दैट मिसल. सो यप, दैट वाज द थर्ड मिसल. एंड नाउ द फोर्थ मिसल व्हिच वी ट्राइड एंड जस्ट केम बैक वाज द माउलीज किचन. दैट मिसल इन माय ओपिनियन वाज द बेस्ट मिसल ऑफ ऑल द फोर मिसल्स दैट आई हैड. ए स्पाइस लेवल वाज इनक्रेडिबल, बहुत अच्छा स्पाइस लेवल था. फरसान बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था. मुझे ऐसा लगा उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि नॉर्मली आप जब मिसल खाते हो ना तो जो फरसान रहता है ना वो तरी को पूरा पकड़ लेता है और तरी जो होता है गीला हो जाता है एंड मिसल सूख जाती है. स्पाइसनेस काफ़ी अच्छा था क्योंकि मेरे को मिसल स्पाइसी खाना ऑनेस्टली पसंद है. एंड महाराष्ट्र मिसल्स आर नोन टू बी स्पाइसी, सो दैट इज द रीजन आई वुड से दिस वॉज अ रियली गुड मिसल. सेकंडली इसमें जो स्पाउट्स था उसका क्वांटिटी एंड फरसान का क्वांटिटी कंप्लीटली बैलेंस था. कॉर्न स्पाइस में आई वुड से कि अगर आपको स्पाइसी मिसल ज़्यादा पसंद नहीं है तो दिस माइट नॉट बी अ फेवरेबल प्लेस फॉर यू टू ईट मिसल, बिकॉज स्पाइसीनेस इसका काफ़ी ज़्यादा था. सो आउट ऑफ ऑल द फोर प्लेसेस आई एम गोइंग टू रेट द टॉप फोर फ्रॉम फोर टू वन डिपेंडिंग अपॉन मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस, मेरे पर्सनल लाइक्स. गाइस आप इन जगहों पे खा सकते हो, आपके ओपिनियंस कम्प्लीटली अलग हो सकते हैं. फोर्थ आई वुड से वो श्री कृपा विठल मंडर वाली मिसल थी. द रीजन बींग वहाँ पर जो मिसल थी वो उसमें आलू था, काफ़ी अच्छी चीज़ थी, पोहा था. वो एक ऐसी काइंड ऑफ मिसल थी जिसमें आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, जबकि उसमें तरी और स्पाइस लेवल था बाकी कंपेयर टू मिसल से थोड़ा कम था. आई वुड डेफिनेटली फील वो जगह का हाइजीन थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था. सो आई विल कीप दैट प्लेस ऑन नंबर थ्री और नंबर फोर, सॉरी नॉट नंबर थ्री. नंबर थ्री आई वुड कीप अंबर मिसल. अंबर मिसल जैसे मैंने आपको बताया स्प्राउट्स का क्वान्टिटी कम था, फरसान ज़्यादा था. आई कीप अंबर एट थ्री.
सेकेंड आई वुड से तात्याची मिसल, बिकॉज क्वान्टिटी तात्याची मिसल वॉज इनक्रेडिबल. साथ में दे गिव यू एक यू नो अलग से एक पापड़ भी मिलता है. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल देम इन मराठी विच यू गेट इट विथ अ मिसल. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट बट आई गॉट दैट विथ अ मिसल वॉज देयर. And quantity of missile was incredible. Sprouts बहुत ज़्यादा थे. And if you are someone who likes a lot of sprouts in your missile, bang on, you're gonna love Tatachi missile. And first place, Maulis Kitchen. एक ज़बरदस्त missile मुझे Maulis Kitchen में मिली. Covering all the bases, spicy level, sprouts अच्छे थे. Farsan बहुत अच्छी quality का था. Farsan तरी को पकड़ नहीं रहा था. ज़बरदस्त था. मेरे को बहुत मज़ा आया ऐसा kind of कुछ करके, क्योंकि मैंने ऐसे kind of videos नहीं किए कि मैंने एक ही चीज़ एक ही सिटी में बार बार खाई just to figure out के कौन सा joint मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है. And if you want to see these such kind of videos, आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. That was it about this video. Please like this video, subscribe to my channel, hit the bell icon as well, and do not forget to subscribe because we are heading closer and closer to 10,000 subscribers. It is going to be a big thing. Yes, don't forget to subscribe if you're enjoying the content. Press the bell icon as well. I'll see you guys in the next video. Take care, chill then, peace. Yeah, bye bye.